हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद तेजस्वी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर आइटिनरी बना के देने वाली हूँ मालवन की फॉर 3 डेज एंड 2 नाइट। उसमें मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेके अकोमोडेशन, देन साइट सीइंग पॉइंट्स, फूड ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड उसी के साथ मैं आपको मालवन के कुछ हिडन प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर आप जा सकते हो। बट उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना होगा, बिकॉज एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इस पूरे ट्रिप का एक बजट भी बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मालवन जाने के कई सारे ऑप्शंस है। लाइक आप गवर्नमेंट बसेस से जा सकते हो, वो आपको मालवन डिपो तक ड्रॉप करती है। प्राइवेट बसेस से जा सकते हो। इफ़ आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कुडाल एंड सिंधुदुर्ग, आप दोनों में से कोई भी जा सकते हो। एंड देन वहाँ पर जाके आप ऑटो रिक्शा और बस से मालवन तक आ सकते हो। और लास्ट ऑप्शन इज आप आपके प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो। मालवन में स्टे आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लाइक मालवन बीच के पास, ताकरली बीच के पास, देवबाग बीच के पास, एंड वो भी फ्रॉम हायर रेंज टू लोअर रेंज आपको मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेज मिल जाएंगे। विलास, कॉटेज, होम स्टे, रूम स्टे, बीच व्यू वाले स्टे, आप कोई भी बुक कर सकते हो। एंड ये सारे स्टेज आपको कोई भी ऑनलाइन साइट पे से मिल जाएंगे, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। और एल्स आप गूगल से डायरेक्टली उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उन्हें कॉल करके भी बुक कर सकते हो। जब मैं गई थी तब हमने मालवन बीच से 5 मिनट की डिस्टेंस पर एक स्टे था, वो बुक किया था एंड उसका नाम था विक्की गेस्ट हाउस। उन्हीं के पास इन हाउस रेस्टोरेंट, देन बाइक रेंटिंग सर्विस एंड ऑल्सो उनके वाटर स्पोर्ट के अलग अलग पैकेजेस भी थे, इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया था। एंड ऑल्सो उसका रेट जो था वो भी एक रीजनेबल प्राइस में था। तो अगर आप भी यहाँ पर विक्की गेस्ट हाउस में स्टे करना चाहते हो तो मैं इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको शेयर कर दूंगी, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर भी जा सकते हो। थर्सडे नाइट अगर आप ट्रेन से आते हो तो वो आपको मॉर्निंग में 8 to 9 o'clock तक कुडाल स्टेशन ड्रॉप करती है। देन वहाँ से कुछ 45 मिनट्स का आपका राइड है टिल मालवन। मालवन पहुँचने के बाद चेक इन करके फ्रेशन अप वगैरह होके सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट साइट सीइंग की तरफ, दैट इज सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग फोर्ट जाने के लिए आपको मालवन बीच जाना होता है एंड मालवन बीच से बोट से वहाँ पे आपको लेके जाते हैं। बोट का कॉस्ट है 100 rupees पर पर्सन रिटर्न जर्नी एंड ये कुछ 5 to 10 minutes का डिस्टेंस पर है। सिंधुदुर्ग फोर्ट पहुँच के वहाँ पर आपको एंट्री चार्जेस है 5 rupees पर पर्सन एंड एंटर करते ही वहाँ पर गाइड्स बैठे हुए रहते हैं, तो अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। उनका कॉस्ट है 500 rupees पर ग्रुप। तो अगर आप ग्रुप में हो, लाइक ग्रुप ऑफ 10, ग्रुप ऑफ 8 वगैरह, तो आप वो ले सकते हो। बहुत ही एक छोटा सा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा एंड वो आपको बहुत ही प्रॉपरली पूरा फोर्ट घुमाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं। सिंधुदुर्ग फोर्ट ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिल्ड किया था इन 1664 एंड इसके चीफ आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदोलकर जी। एंड इस पूरे फोर्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं देखने जैसे, लाइक मेन दरवाज़ा, नगार खाना, बुरुज, तोफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैंड एंड फुटप्रिंट एंड उनका मंदिर, देन सीक्रेट टनल, भवानी देवी मंदिर, स्वीट वाटर वेल्स एंड एक्सेट्रा। ये पूरा फोर्ट घूमने के लिए कुछ अराउंड 1 or 2 hours लगते हैं। इफ़ आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरा सिंधुदुर्ग फोर्ट वाला जो वीडियो है वो देख सकते हो, उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब पूरा फोर्ट घूम के आप रिटर्न आ सकते हो मालवन बीच पे एंड उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। मालवन बीच पर इवनिंग में फिश ऑक्शन होता है एंड काफ़ी सारे फिशेज आपको देखने मिलते हैं। आपको अगर फिश पसंद है तो आप वहाँ से बाय करके लेके जा सकते हो, बहुत ही फ्रेश एंड रीजनेबल कॉस्ट में ये फिश मिलते हैं। मालवन में ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, दैट इज़ अगर आप रॉ फिश आपके होम स्टे पे लेके आते हो तो वो आपको एक स्मॉल अमाउंट में जो भी है वो कुक करके देते हैं। सो यही है वो फिश ऑक्शन मार्केट, यहाँ से आप फिश लेके जा सकते हो फॉर डिनर। डे टू में अर्ली मॉर्निंग उठ के आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी जगह पर होती है, लाइक मालवन बीच, देन सिंधुदुर्ग फोर्ट के पास, ताकरली बीच, देवबाग बीच, ऐसे कई सारे जगह पर होती है। एंड ऑल्सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पर हम स्टे करें विक्की गेस्ट हाउस, उनका भी अलग सा पैकेज है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए देवबाग बीच जाए, हम भी वहीं पर गए थे।
फॉर बनाना राइड, जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, कायाकिंग, सोफा राइड, डॉल्फिन वॉचिंग, देवबाग बीच से आपको सुनामी आइलैंड लेके जाते हैं। ये जो सुनामी आइलैंड है वो एक छोटा सा आइलैंड है। जब 2004 में सुनामी आई थी तब ये आइलैंड जो है वो ऑटोमेटिकली बना था, इसीलिए इसका नाम जो है वो सुनामी आइलैंड रखा है। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए तो वहाँ पर जाने का बोट का कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर बोट। अगर आप ग्रुप में हो तो इट्स टोटली वर्थ, बट अगर आप कपल हो और सिंगल हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो तारकरली बीच पर आके करें। अब ये तो हुए बाकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। फॉर स्कूबा डाइविंग आपको वापस देवबाग बीच आना होता है एंड देन वहाँ से आपको बोट से लेके जाते हैं। स्कूबा के भी 2 टाइप्स है, एक है डीप वाटर स्कूबा एंड दूसरा है नॉर्मल वाटर स्कूबा। हमने डीप वाटर स्कूबा किया था एंड उसके लिए आपको बहुत अंदर तक लेके जाते हैं बोट से, कुछ अराउंड 30-40 मिनट्स का बोट राइड होता है जिसमें आपको लकीली जेली फिश एंड डॉल्फिन वगैरह ये सब देखने मिलता है। डीप वाटर स्कूबा का कॉस्ट है 800-1000 रुपीज़ पर पर्सन। इफ आप अगर ग्रुप में हो तो आप वहाँ पर जाके थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हो, वो कम करके देते हैं। ये डीप वाटर स्कूबा जो है वो टोटल 15 मिनट्स का होता है फॉर 1 पर्सन। पहले आपको बोट में वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड बाद में सब ऑक्सीजन टैंक वगैरह लेके नीचे पानी में जाते हैं। आपके साथ 2 गाइड होते हैं, एक जो आपको पकड़ के नीचे लेके जाता है एंड दूसरा जो है वो आपके सामने खड़ा होता है, कैमरा से वीडियोज़ वगैरह लेता है। नीचे वो सबसे पहले आपके फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद वो आपको नीचे पूरा घुमाते हैं, अंडर वाटर जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रखी है देन फिश वगैरह ये सब पूरा दिखाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था डीप वाटर स्कूबा का। आफ्टर स्कूबा आप डे 2 का सनसेट जो है वो तारकरली बीच जाके देख सकते हो एंड आफ्टर सनसेट तारकरली बीच के साइड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप डे 2 का डिनर भी वहीं पर कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग फिश थाली वगैरह मिलता है। यह है लास्ट डे, डे 3। डे 3 में अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जा सकते हो न्यूती फोर्ट एंड न्यूती बीच देखने। ये दोनों भी प्लेस एकदम लेस नोन है तो बहुत ही कम क्राउड होता है। न्यूती फोर्ट अभी रूइंस में चला गया है, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिल्ड किया था। एंड ये है न्यूती बीच, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये बीच एंड यहाँ का पानी अगर आप देखोगे तो यहाँ का पानी जो है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। न्यूती बीच पर साइड में ही आपको 2 क्लिफ भी दिखाई देंगे जो कि इसका व्यू जो है वो और ज़्यादा अमेजिंग बना देते हैं। अब इसके अलावा आप डे 3 में बोट राइड करने मालवन बीच भी जा सकते हो। मालवन बीच से वो कुछ 1600 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं एंड वो आपको ऐसी न्यूती फोर्ट, न्यूती बीच एंड उसी के साथ और 3-4 पॉइंट्स जो है वो बोट से घुमाते हैं एंड वहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकने भी देते हैं। तो अगर आप खुद से वहाँ पर नहीं जाना चाहते हो तो आप बोट से भी जा सकते हो, तो ये भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अब आफ्टर वॉचिंग न्यूती बीच एंड न्यूती फोर्ट आप मालवन जाके कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करके आपका रिटर्न जर्नी का जो ट्रेन है उसके लिए कुड़ाल स्टेशन वापस जा सकते हो। सो गाइज, ये थी मालवन की कंप्लीट आइटिनरी फॉर 3 डेज एंड 2 नाइट। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड आपको जो भी डाउट होगा वो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो आप मेरे साथ आपका मालवन का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।